मैं हूँ पूनम, स्वागत है आपका फेम आर्ट की दुनिया में। आज मैं बनाऊंगी सैटिन रिबन फ्लावर। तो चलिए फिर बनाते हैं। इस सैटिन रिबन फ्लावर को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ये सैटिन रिबन, ये 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, पेपर टेप, ग्रीन क्रेप पेपर, फैब्रिक ग्लू, सीजर, वायर और मेजर करने के लिए स्केल। साथ ही मैं यूज करूंगी ऑयल पेस्टल ग्रीन कलर का लीफ को शेडिंग देने के लिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैटिन रिबन की जो साइड की स्ट्रेचेबल थ्रेड होती है उसे हटाना होगा। हटाने के बाद मेजर करेंगे इसको 8 सेंटीमीटर, इस तरह से 8 सेंटीमीटर के 10 पीसेस कट करेंगे। इतने बड़े साइज के 10 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब पेपर टेप लेंगे, पेपर टेप को इस ऐसे ओपन करेंगे। अब इसमें फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अब इन पीसेस को इसमें स्टिक करना है, इस तरह से रखेंगे। सभी पीसेस को हमने स्टिक कर दिया है इसमें। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये लगभग सूख चुका है। अब इसके थ्रेड को निकालना होगा, इस तरह से हर एक पीस से इसकी थ्रेड को निकालेंगे। थ्रेड को निकाल लिया है, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे, और इन थ्रेड्स को धीरे धीरे खींच करके ओपन करते रहेंगे इसे। से ओपन करेंगे और लीफ बनाएंगे। इसके लिए क्रेप पेपर लूंगी और इसे फोल्ड करूंगी, दो बार फोल्ड करूंगी इस तरह से, और कट करूंगी इस तरह से फोल्ड करके ऐसे लीफ का शेप देते हुए कट करना है। इस तरह का शेप मैंने बनाया है। अब इसकी शेडिंग करूंगी, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का पेस्टल कलर है, इसे मैं इस तरह से कलर करूंगी। कलर कर लिया है, अब इसे पेपर को थोड़ा सा शेप देंगे, लीफ की शेप का हल्के हल्के हाथों से करना है। अब लीफ को नीचे की तरफ से पकड़ करके इसे इस तरह से मोड़ना है, ट्विस्ट करना है। इसी तरह से बाकी लीव्स को भी मैं इसी शेप में बना लेती हूँ। इस तरह से लीव मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से लपेटते जाना है इस स्टेम में। लीफ को यहाँ लगाते हुए और टेप से इसे कवर कर देंगे। एक और लीफ लगाएंगे। इस तरह से ये सैटिन रिबन फ्लावर बन चुका है। इसी तरह से मैंने और भी कलर के बनाए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से ये फ्लावर बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।